हेलो एवरीवन। तो भाई आज हम अपनी क्लास 12 की इंग्लिश का सबसे इंटरेस्टिंग थ्रिलिंग और ऐसा चैप्टर जिसकी एंडिंग पढ़ने के बाद आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा, वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द थर्ड लेवल। तो चलो इस चैप्टर को हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। कमेंट में, फर्स्ट कमेंट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। तो यार चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, क्यों ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग होते हुए भी बच्चों को समझ नहीं आता। इसका रीजन ये है क्योंकि ये चैप्टर अभी तक आपने जितनी भी स्टोरीज पढ़ी हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं लिखा गया है जैक फिने के द्वारा। ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि एक वही स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वहां से धीरे धीरे करके सारे इंसिडेंट्स होते रहेंगे एक एक करके और आपको सब समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एक थ्रिलर मूवी की तरह लिखा गया है चैप्टर। जैसे एक थ्रिलर मूवी में अगर आपको स्टार्टिंग में सब कुछ समझ में आ जाए तो उसका कोई मजा नहीं बचेगा, वैसे ही ये चैप्टर है। आपको स्टार्टिंग में कई चीजें हैं जो ऑथर जानबूझ के समझाएगा नहीं, स्टार्टिंग में आपको बहुत चीजें समझ नहीं आएगी, पर ये चैप्टर मेरे साथ आप एंड तक देखना, एंड तक आते आते आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको स्टोरी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ आ जाएगी। तो हमें यह चैप्टर बहुत पेशेंस से पढ़ना है। तो अब स्टार्ट करते हुए चैप्टर को पहली लाइन क्या है, द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल and the New York, New Haven and Hartford Railroads will swear on a stack of timetables. क्या कहा गया है? सबसे पहली बात, ये चार जगहों के जो नाम लिखे गए हैं क्या है? देखो ये चारों न्यूयॉर्क में चलने वाली रेल रोड्स हैं। रेल रोड्स क्या होती है, जैसे यार हमारे इंडिया में नहीं चलती गरीब रथ, शताब्दी, राजधानी, कि भाई राजधानी का ट्रेन नंबर ये जो है इन इन सारी सिटीज में रुकेगा। ऐसे ही न्यूयॉर्क में चार अलग अलग रेल रोड्स हैं जिनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं। इन चारों के कई स्पेसिफाइड रूट्स हैं जहां पे ये चारों की ट्रेनें रुकती हैं। तो क्या कहा गया है कि इन रेलरोड्स के प्रेसिडेंट्स, मतलब जो इन रेलरोड्स को हेड करते हैं, वो सब कसम खाएंगे, कैन विल स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स। स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स का क्या मतलब होता है? देखो ये एक्चुअली एक idiom, एक मुहावरा है, और ओरिजिनल मुहावरा क्या है कि स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ बाइबल, मतलब कसम खाना बाइबल के ऊपर हाथ रख के, जैसे हमारे इंडिया में भगवत गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाते हैं जो मैं बोलूंगा सच बोलूंगा कोर्ट में, वैसे ही फॉरन में यूएस में बाइबल के ऊपर हाथ रख के कसम खाती हैं। पर हमारे ऑथर ने इस मुहावरे को एक फनी सा ट्विस्ट दिया है, उसने स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ बाइबल नहीं लिखा, उसने मुहावरे को थोड़ा चेंज किया है और लिखा है स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स। ऐसा क्यों किया है ऑथर ने? क्योंकि देखो एक जो रेल रोड का हेड होता है, एक रेलवे जितने भी कर्मचारी होते हैं एक रेलवे के लिए, उनका धर्म क्या होता है? उनका धर्म यह होता है कि उनकी जो ट्रेनों का टाइम टेबल है, जो भी टाइम लिखा हुआ है उनकी ट्रेन्स का, वो ट्रेन्स बिल्कुल उसी एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच जाए। उनके लिए सबसे बड़ा पाप यही होता है कि उनकी ट्रेनें लेट हो जाए। तो इसी वजह से ऑथर ने फनी वे में क्या कहा है कि इन रेल रोड्स के प्रेसिडेंट अपने टाइम टेबल के ऊपर हाथ रख के कसम खा जाएंगे, जो उनका धर्म है उसके ऊपर हाथ रख के कसम खाएंगे, दैट देयर आर ओनली टू बट आई से देयर आर थ्री। अब यहां पे क्या कसम खाएंगे वो, कि सिर्फ दो हैं। अब आई कौन है यहाँ पे? आई है ये जो नरेटर है इस चैप्टर का, वो है चार्ली, जो कि एक 31 ईयर्स ओल्ड आदमी है। ये एक फिक्शनल कहानी है, मनगढ़ंत कहानी है, इसको असली मत समझ लेना। तो क्या होता है यहाँ पे, चार्ली क्या कहता है कि भाई वो कसम खा के कहेंगे कि सिर्फ दो हैं, पर मैं कहता हूँ तीन है। क्या दो हैं, क्या तीन है, क्या इस बारे में बात हो रही है, ये भी अगली लाइन में समझ में आएगा। आई हैव बिन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब यहां पे कहानी को समझाया गया किस बारे में बात हो रही है। देखो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, न्यूयॉर्क में एक स्टेशन है लोकल ट्रेन का जो 1871 में एस्टैब्लिश हुआ था, आज भी एग्जिस्ट करता है और न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो। उस स्टेशन में क्या सीन है, देखो ये वो रेलवे स्टेशन है, मान लो बड़ा गंदा सा स्टेशन बनाया मैंने, इस रेलवे स्टेशन में दो लेवल है। लेवल का क्या मतलब होता है कि अंडरग्राउंड फ्लोर्स। तो जैसे अगर आप ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में घुसोगे आपको एक बड़ा सा हॉल मिलेगा, फिर उस बड़े से हॉल से आप देखोगे एक ढलान और स्टेयर्स का कॉम्बिनेशन आपको नीचे लेके जाएगा और नीचे वो लेके चला जाएगा लेवल वन पे, जहां पे बहुत सारे ट्रैक्स हैं जिन पे बहुत सारी ट्रेन्स रन करती हैं। फिर आप दोबारा ढलान और सीढ़ियां उतर के लेवल टू पे पहुंच जाओगे, जहां पे अगेन बहुत सारे ट्रैक्स और बहुत सारी ट्रेन्स निकलती हैं। तो क्या कहता है अब चार्ली कि भाई वो कसम खा के कह देंगे कि सिर्फ दो लेवल्स है, पर मैं तो यार तीसरे लेवल पे जा चुका हूं। यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप,
आई टॉक टू अ साइकैट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमंग अदर्स. अब देखो चार्ली यहाँ पे हमें एक फनी वे में क्या बात बोलता है कि देखो उसे पता है, वो क्या कहता है कि भाई मेरे को पता है आप ये बात सुनते ही मेरी, कि मैंने जो बोला कि ग्रैंड सेंट्रल में 3 levels है, 2 की बजाय मुझे आप लोग पागल डिक्लेयर करने वाले हो, इस वजह से मैंने साइकैट्रिस्ट फ्रेंड से, अपने एक साइकैट्रिस्ट फ्रेंड से बात कर लिया, अमंग अदर्स अपने दूसरे दोस्तों के साथ साथ मैंने अपने एक साइकैट्रिस्ट फ्रेंड से भी बात करी है कि कहीं मैं दिमाग से पागल तो नहीं हो गया हूँ. क्योंकि देखो अगर कोई किसी अमेरिकन को आके बोले कि ग्रैंड सेंट्रल में 3 है 2 की बजाय, ये उसी तरीके से कि कोई इंसान एक इंडियन को आके बोले कि इंडिया की कैपिटल मुंबई है, दिल्ली नहीं है, तो आप उसको कहोगे भाई तू पागल हो गया है. तो इसी तरीके से उसे पता है ये बात अगर वो बोलेगा तो सब उसे पागल कहेंगे. तो इस वजह से उसने अपने एक साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को अपना इलाज के लिए दिखाया कि वो कहीं पागल तो नहीं हो गया है. I told him about the third level of the Grand Central Station. उसने उसको बताया अपने psychiatrist friend को कि मैं तीसरे level पे होके आया हूँ Grand Central Station के. And he said it was waking dream wish fulfillment. और उसका psychiatrist friend क्या कहता है, सबसे पहली बात waking dream का क्या मतलब होता है, waking dream का मतलब होता है an involuntary dream occurring while a person is awake. मतलब जो सपना आपको जागे जागे आ जाए, मतलब मैं आपको बताऊं 9th class में, बड़ी एम्बैरेसिंग सी बात बता रहा हूं मैं आपको अपने बारे में, 9th class में मैं क्लास में बैठा बैठा सपना देखता था कि मेरी क्लास में टेररिस्ट ने अटैक कर दिया और मैं पूरी क्लास को बचा रहा हूं. तो ऐसे जो आप दिन में बैठे बैठे सपने, आंख खुले में सपने देखते हो, उसे कहते हैं वेकिंग ड्रीम. और विश फुलफिलमेंट का क्या मतलब है कि आपकी जो वेकिंग ड्रीम है, जो आप जागे जागे सपना देखते हो, वो विश फुलफिल हो जाए, वो एक्चुअल में रियलिटी हो जाए, तो उसे कहते हैं वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. तो उसका साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड क्या कहता है कि तुम्हारी तो वेकिंग ड्रीम की विश फुलफिल हो गई. उसकी वेकिंग ड्रीम क्या थी, अभी हम आगे लाइनों में जानेंगे चार्ली की ड्रीम क्या थी. ही सेड आई वाज अनहैप्पी. अब उसका साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड क्या कहता है कि भाई तू खुश नहीं है, चार्ली खुश नहीं है, वो दुखी है. दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड. ये बात सुन के चार्ली की वाइफ थोड़ी गुस्सा, मैड का मतलब पागल नहीं होता, मैड का मतलब यहां पे गुस्सा होना, तो उसकी ये बात वाइफ सुन के गुस्सा हो जाती है. क्यों, उसकी वाइफ को लगता है कि वो शायद ये जो चार्ली है मेरे से खुश नहीं है, ये हमारी शादी से खुश नहीं है. बट ही देन एक्सप्लेन दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी फियर वॉर सॉरी वरीज एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट. पर उसका फिर साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड समझाता है कि मेरा मतलब ये नहीं था कि वो आपसे ना खुश है, मेरा मतलब ये था कि मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है. इनसिक्योरिटी का मतलब जब आपके मन में एक डर होता है कि मेरे पास जो भी मेरा घर है, मेरी फैमिली है, मेरी जॉब है, वो छिन जाएगी. तो वो क्या कहता है साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड कि मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी फियर वॉर वरी एंड All the rest of it, मतलब जितने भी दुख पॉसिबल है हमारा मॉडर्न वर्ल्ड उन सबसे भरा हुआ है. एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप. और चार्ली जो है वो बस इस मॉडर्न वर्ल्ड से एस्केप करना चाहता था. तो इसी वजह से, क्योंकि वो इस सारे दुख से एस्केप करना चाहता था, वो अपने सपनों में, अपनी वो नींद में 3rd level पे पहुंच गया. वेल हु डजंट. अब इस पे चार्ली क्या कहता है कि हाँ यार, कौन एस्केप नहीं करना चाहता, इतना हमारा मॉडर्न वर्ल्ड इतने दुखों से भरा हुआ है, कौन इस दुनिया से बाहर नहीं जाना चाहता. एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप. तो चार्ली क्या कहता है कि मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ, मेरे दोस्त और मेरे रिश्तेदार, वो सब हमारे इस मॉडर्न दुख भरे वर्ल्ड से एस्केप करना चाहते हैं, बट दे डोंट वॉन्डर डाउन टू एनी 3rd level एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. अब बड़े फनी वे में वो क्या कहता है, वॉन्डर का सबसे पहले क्या मतलब होता है, इधर उधर घूमना. तो वो क्या कहता है कि मैं इस पूरी लाइन में चार्ली बड़े फनी वे में क्या कहता है कि मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ वो इस मॉडर्न दुख भरी दुनिया से एस्केप करना चाहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो घूमते फिरते ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd level पे पहुंच जाएंगे, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो अभी भी हमें कंफ्यूजन है कि 3rd level एग्जिस्ट करता है नहीं करता, अभी हम चैप्टर में समझेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे. बट दैट्स द रीजन ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड. और फिर वो क्या कहता है चार्ली कि उसके साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ने कहा कि यही रीजन है कि तू 3rd level पे पहुंच गया, क्योंकि तू नींदों में पहुंचा और तू एस्केप करना चाहते रियलिटी से. एंड माई फ्रेंड्स एग्री. और उसके जितने भी चार्ली के दोस्त हैं उन्होंने भी इस बात पे एग्री किया कि भाई 3rd level नहीं है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, तू बस एस्केप करने के लिए वहां पहुंच गया. Everything points to it, they claimed. अब वो क्या कहता है कि तू लाइफ में जितनी भी चीजें करता है ना, वो इसी चीज की तरफ पॉइंट करती है कि तू अपनी लाइफ से एस्केप करना चाहता है, इस दुख भरी लाइफ से, मॉडर्न वर्ल्ड से एस्केप करना चाहता है. माई स्टैम्प कलेक्शन फॉर एग्जाम्पल. तो वो क्या कहते हैं कि भाई तू चार्ली, तू स्टैम्प कलेक्शन करता है,
ठीक है, वो भी इसीलिए करता है क्योंकि तू मॉडर्न वर्ल्ड से एस्केप करना चाहता है. दैट्स द टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी. रिफ्यूज का क्या मतलब होता है? द स्टेट ऑफ बीइंग सेफ और शेल्टर्ड फ्रॉम डेंजर और डिफिकल्टी. मतलब जब आप किसी चीज बड़ी मुश्किल सिचुएशन से बचने के लिए कहीं छुप जाते हो. तो क्या कहते हैं उसके दोस्त चार्ली के कि जो तू ये स्टैम्प कलेक्शन का शौक है, अगर आपको नहीं पता है यूएस के लोगों में बहुत ज्यादा शौक है स्टैम्प कलेक्शन का. स्टैम्प मतलब वो वाली स्टैम्प नहीं होती जो पोस्ट कार्ड पे आप चिपकाते हो, 2, 3, 5, 10, 100 हर रेट की स्टैंप आती है, वो चिपका के आप किसी को पोस्ट कार्ड भेजते हो अपने नोन को. तो उसको भी, चार्ली को भी स्टैंप कलेक्शन का बड़ा शौक था. और उसके दोस्त क्या कहते हैं कि वो भी तू इसीलिए करता है क्योंकि वो तुझे टेम्परेरी रिफ्यूज देती है वर्ल्ड ऑफ रियलिटी से, सारे दुख से. वो तेरे को दिखाती है कि पास्ट में तू खो जाता है उन स्टैंप्स को देख के. तो वो कहते हैं कि इस वजह से तू पागल हो रहा है. Well, maybe, but my grandfather didn't need any refuge from the reality. Things were pretty nice and peaceful. In his day. तो अब इस पे चार्ली अपने मन में क्या आर्ग्यूमेंट करता है कि चलो ठीक है, मैं मानता हूं कि मैं शायद तुम लोगों के अकॉर्डिंग मैं शायद इसलिए स्टैम्प कलेक्शन करता हूं क्योंकि मैं रियलिटी से भागना चाहता हूं. पर मेरे grandfather, क्योंकि चार्ली ने स्टैम्प कलेक्शन की आदत अपने दादाजी से सीखी थी, कह रहा मेरे ग्रैंडफादर को तो कोई रिफ्यूज की जरूरत नहीं थी. क्यों? क्योंकि थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल. क्योंकि उनके जमाने में तो चीजें बिल्कुल शांत और बिल्कुल पीसफुल थी. फ्रॉम ऑल आई हियर, जहां तक मैंने सुना है, बिल्कुल शांत और पीसफुल चीजें थी. एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन. और फिर वही जो मैंने अभी आपको बात बताई कि उसके ग्रैंडफादर ने उसकी कलेक्शन स्टार्ट, उसके ग्रैंडफादर ने स्टैम्प कलेक्शन स्टार्ट करी थी और वही स्टैम्प कलेक्शन उन्होंने चार्ली को पास कर दी थी. इट्स अ नाइस कलेक्शन टू. और चार्ली क्या कहता है कि मेरे दादाजी की बड़ी कलेक्शन भी बड़ी अच्छी है. ब्लॉक्स ऑफ फोर ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू. ब्लॉक्स ऑफ फोर का क्या मतलब होता है? देखो, ये स्टैम्प्स जो होती है, कुछ लोग तो सिर्फ सिंगल एक स्टैम्प इकट्ठी करते हैं और कुछ लोगों को आदत होती है कि एक चार का, चार स्टैम्प्स का एक जोड़ा ही खरीद लेते हैं. जोड़ा नहीं कहेंगे, मतलब चार को जो भी कहते हैं. तो वो क्या कहता है कि मेरे दादाजी की कलेक्शन में तो बहुत, मतलब मैं आपको एक चीज बताऊं, ब्लॉक्स ऑफ फोर जो स्टैम्प कलेक्ट करते हैं वो बहुत ज्यादा पागल होते हैं स्टैम्प कलेक्ट करने के लिए. नहीं तो लोग सिंगल्स ही करते हैं यूजुअली. तो ब्लॉक्स ऑफ फोर ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू. तो उसके दादा ने उसकी स्टैम्प कलेक्शन में हर यूएस इशू, मतलब यूएस में उनके टाइम तक जितनी भी स्टैम्प्स हर साल नई रिलीज होती थी, उन सबके वो कलेक्शन करते थे. उन सबके चार स्टैम्प्स खरीद के अपनी कलेक्शन में डाल देते थे. फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन. फर्स्ट डे कवर क्या होता है वो भी चैप्टर के एंड में हम समझेंगे. एंड सो ऑन मतलब वो भाई ब्लॉक्स ऑफ फोर और बहुत सारी चीजें अपनी स्टैम्प कलेक्शन में पूरी रखते थे. प्रेसिडेंट रूज़वेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो. अब थोड़ा वो दोबारा ताना मारते हुए चार्ली का कहता है कि प्रेसिडेंट रूज़वेल्ट बहुत महान प्रेसिडेंट माने जाते थे उस टाइम. यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे उस जमाने के. कह रहे चार्ली कहता है कि प्रेसिडेंट रूज़वेल्ट भी, तुम्हें पता है, वो भी कलेक्शन करते थे स्टैम्प्स की. मतलब वो भी ऐसे इंसान नहीं थे जो रियलिटी से एस्केप करे, वो तो रियलिटी से लड़ने वाले इंसान थे. तो वो भी करते थे स्टैम्प कलेक्शन. तो चार्ली भाई कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है. चार्ली अभी भी कन्विंस नहीं हुआ कि वो थर्ड लेवल पे रियलिटी में नहीं पहुंचा था. Anyway, here's what happened at Grand Central. अब हमें चार्ली एक्चुअल बताना चालू करेगा कि ये सारे पिछले पेज में ढंग से वो समझाएगा कि कहाँ कैसे पहुंचा इस थर्ड लेवल तक, और उस रात को जिस रात वो थर्ड लेवल तक पहुंचा उस रात क्या क्या हुआ. तो हमें अब स्टोरी और अच्छे से समझ में आनी चालू होगी. एनीवेज, हियर्स व्हाट हैपन. अब वो बताना चालू कर रहा है कि क्या हुआ था. वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट द ऑफिस. तो वो बताता है कि लास्ट समर पिछली गर्मियों में एक रात मैंने काफी लेट काम कर रहा था मैं ऑफिस में. आई वॉज इन hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take a subway from Grand Central because it's faster than the bus. तो वो क्या कहता है कि मेरे को थोड़ी जल्दी थी अपने घर पहुंचने की, जो कि अपटाउन में, मतलब शहर के ऊपर वाले हिस्से में लोकेटेड था. तो मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं ट्रेन में जाऊंगा rather than की बस, क्योंकि ट्रेन फास्ट पहुंचा देगी मुझे. Now I don't know why this should have happened to me. अब कहता है चार्ली कि मुझे भी नहीं पता यार कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ये मेरे साथ ही क्यों होना था.
आई एम जस्ट एन ऑर्डनरी गाय नेम चार्ली 31 ईयर्स ओल्ड। अब वो बताता है कि मैं एक बिल्कुल साधारण सा आदमी हूँ जिसका नाम चार्ली है और जिसकी उम्र 31 ईयर्स है। हालांकि मैंने ये चीज़ें आपको पहले बता दी थी, पर रियलिटी में आपको ये चीज़ें अब जाननी थी, पर मैंने आपको थोड़ी चीज़ें एडवांस में बता दी थी। एंड आई वॉज वेयरिंग अ टैन गैबर्डीन सूट एंड अ स्ट्रॉ हैट विद फैंसी बैंड। सबसे पहली बात, गैबर्डीन क्या होता है, गैबर्डीन सूट क्या होता है? गैबर्डीन सूट यार आपने देखा होगा पुरानी मूवीज में हॉलीवुड, ये लंबा सा कोट पहनते थे घुटने तक, तो इसको गैबर्डीन सूट कहते थे। और स्ट्रॉ हैट कौन सी होती है, ये जो घूमी हुई हैट होती है, और इसमें आप पैटर्न देखो, ये जो ऐसे ऐसे थोड़े गुच्छे वाले पैटर्न है, इनको कहते थे स्ट्रॉ हैट। और फैंसी बैंड, फैंसी बैंड ये जो काले रंग का बैंड देख रहे हो इस पे ऊपर लगा हुआ, तो ये कपड़े उसने पहने हुए थे। आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी। अब वो इस पे एम्फसाइज करता है कि मैं उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में कई लोगों के साथ में गुजरा जो बिल्कुल मेरी तरह ही दिखते थे, मतलब मैं कोई ऐसा ऑर्डिनरी इंसान नहीं हूँ। यूजुअली लोग उस जमाने में, मेरे टाइम में, उस टाइम ऐसे ही कपड़े पहनते थे। एंड आई वॉजन ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग। और अब चार्ली इस चीज को और क्लियर करता है, वो कहता है कि भाई ये मत सोचना, कह रहा मैं उस टाइम किसी चीज से एस्केप नहीं करना चाहता था, आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइजा माई वाइफ। तो वो क्या कहता है कि मैं बस चाहता था कि मैं अपनी वाइफ तक, जिसका नाम लुइजा है, उस तक जल्दी से पहुंच जाऊं। I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue. तो अब Grand Central Station में घुसने के लिए कई सारे gates हैं, कई कई सारे चौराहों से, तो वो क्या कहता है, मैं Grand Central में Vanderbilt Avenue वाले gate से घुसा and went down the steps to the first level. और वो सीढ़ियाँ उतर के पहले तो underground first floor पे, यानी first level पे चला गया, where you take the trains like 20th century. जहाँ पे आप trains लेते हो जो 20th century की होती थी। मतलब देखो, ये chapter मैं आपको पहले बता दूं, ये चैप्टर 1950s में लिखा गया है। तो क्या कहता है चार्ली, 20th सेंचुरी का क्या मतलब है कि 1900s की ट्रेन थी। अब इस लाइन से चार्ली क्या कहना चाहता है कि जो फर्स्ट लेवल था वहां पे बिल्कुल मॉडर्न ट्रेन मिलती थी, ऑल्दो आज के टाइम के मुकाबले तो बहुत पुरानी हो गई, पर उस जमाने के लिए वो बिल्कुल नई ट्रेन थी, तो फर्स्ट लेवल पे मिलती थी बिल्कुल मॉडर्न और नई नवेली ट्रेन होती थी पकड़ने के लिए। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट इन द सेकंड लेवल, और फिर वो दोबारा सीढ़ियां उतरता है और वो सेकंड लेवल पे पहुंच जाता है, वेयर सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम। तो वहां से सेकंड लेवल से सब अर्बन ट्रेन्स जाती थी, सब अर्बन ट्रेन्स मतलब जो थोड़ा न्यूयॉर्क से बाहर के इलाकों में ट्रेन्स जाती थी वो वहां से निकलती थी, और वो ट्रेन्स थोड़ी पुरानी सी होती थी। डग्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे। आर्क्ड डोरवे क्या होता है, आर्क्ड डोरवे ये वाले डोर्स होते हैं जिनका ऐसे यूं घूमी हुई होती है, जो ऊपर की जो भी कह लो आप, उस वो घूमी हुई होती है। डक करने का क्या मतलब होता है, डक का मतलब होता है जब आप अपना सर झुका के किसी जगह से पास करते हो ताकि आपका सर जो है वो टकरा ना जाए, तो वो एक आर्क डोरवे से थोड़ा अपना सर झुका के निकलता है ताकि उसका सर टकरा ना जाए ऊपर दीवार पे। हेडिंग फॉर द सबवे, और वो कहां जा रहा होता है उस आर्क डोरवे से, वो क्यों निकलता है, क्योंकि वो एक सबवे की तरफ जा रहा होता है। अब सबवे क्या होता है, मैं आपको क्लियर कर दूं, सबवे यार देखो हमारे यहां इंडिया में जो लोकल ट्रेन होती है उनको मुंबई में या तो लोकल ट्रेन कहते हैं, दिल्ली में उन्हें मेट्रो कह देते हैं, हमारे यहां मेट्रो या लोकल ट्रेन ही कहते हैं, पर वहां पे मेट्रो और लोकल ट्रेन को अमेरिका में सबवे कहा जाता है, उनकी लैंग्वेज ही यही है कि वो वहां के लोकल ट्रेन को सबवे कहते हैं। एंड गॉट लॉस्ट। अब मजे की बात यहाँ पे क्या हुई कि वो क्या कहते हैं, ऐसे आग डोरवे से निकला डक करके और वो सबवे की तरफ जा रहा था पर वो खो ही गया। दैट्स ईजी टू डू। अब वो क्या कहता है चार्ली हमें कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे खोना बहुत आसान है, और मैं आप लोगों के लिए बहुत मजेदार चीज भी आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। आप कमेंट में जाओ, फर्स्ट कमेंट में आपको मिलेंगे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी, नोट्स भी, और मैं एक वीडियो डालूंगा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की, फर्स्ट कमेंट में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, 15 मिनट की वीडियो है, उसमें वो एक बंदा जो कैमरा मैन है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में घूम के आपको दिखा रहा है। आप वो वीडियो देखना अगर आपके पास वेला टाइम है तो, और आप देख के हैरान हो जाओगे कितना बड़ा है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन और क्या क्या दुनिया भर की चीजें वहां पे। तो क्या कहता है, दैट्स इजी टू डू, ग्रैंड सेंट्रल पे खोना कोई बड़ी बात नहीं है। आई बिन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल 100 ऑफ टाइम्स, कहता है मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से
सौ बार अंदर बाहर घूम चुका हूं उसमें, बट आई एम ऑलवेज बंपिंग इनटू न्यू डोरवेज. तो वो क्या चाली गया था, पर उसके बावजूद भी मैं नई नई डोरवेज और चेयर्स पे और कॉरिडोर्स पे टकराता रहता हूँ. मैं पता नहीं हर बारी कोई नई ना कई नई की नई जगह पहुंच जाता हूँ. कॉरिडोर्स क्या होते हैं मैं आपको बता दूं, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में ऐसे कॉरिडोर्स ये फोटो में जैसे वैसे होते हैं. ग्रैंड सेंट्रल की मैं आपको एक और खासियत बताऊं, उस स्टेशन में सीढ़ियां बहुत कम है, उसमें ऐसी ढलाने हैं एक लेवल से दूसरे लेवल पे पहुंचने के लिए. तो वो ये कहता है मैं ऐसे भाई कई बार ही नए डोरवेज इन सब पे पहुंच जाता हूं. वंस आई गॉट इनटू टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ रॉजरवेल्ट होटल. अब वो हमें एक बारी का फनी इंसिडेंट बताता है कि एक बारी की बात है कि मैं एक टनल में घुस गया जो लगभग एक माइल लंबी थी, और उस टनल से जब मैं निकला तो मैं रॉजरवेल्ट होटल, एक फाइव स्टार होटल था न्यूयॉर्क का 1950s में, उसमें निकल गया. Another time, I came up in an office building on 46th Street, 3 blocks away. अब वो एक और फनी इंसिडेंट बताता है. एक बारी तो वो क्या कहता है, बल्कि ये हो गया कि मैं एक ऑफिस बिल्डिंग में निकला जो कि 46th Street पे था, 3 blocks away. अब मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं हो रहा, पर न्यूयॉर्क जो है वो एक्चुअली उनके जो मोहल्ले हैं वो ब्लॉक्स में बटे हुए हैं. तो वो क्या कहता है कि एक बारी तो ये हुआ मैं टनल में घुसा और मैं एक ऑफिस की बिल्डिंग में निकला जो कि 3 मोहल्ले दूर थी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से. Sometimes I think Grand Central is growing like a tree pushing out new corridors and staircases like roots. अब यहाँ पे चार्ली फिर मजाक उड़ाते हुए ग्रैंड सेंट्रल का क्या कहता है कि कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है ग्रैंड सेंट्रल एक ट्री की तरह बढ़ रहा है जिसकी रूट्स जो हैं वो बिल्कुल अपने नए कॉरिडोर्स और स्टेयरकेसेस निकलती जा रही है, जैसे एक पेड़ की रूट्स की निकलती है रैंडमली कहीं भी बढ़ता जाता है. तो वो ग्रैंड सेंट्रल का मजाक उड़ाते हुए यही कहता है कि इस स्टेशन का कोई भरोसा नहीं है, ये ऐसे ही बस खामा का कहीं भी बढ़ता जाता है. There's probably, क्या लिखा आगे, There's probably a long tunnel that nobody knows about. क्या कह रहा है कि मुझे तो ऐसा लगता है there's probably एक बड़ी सी टनल है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता. फीलिंग इट्स वे अंडर सिटी राइट नाउ. फीलिंग इट्स वे का मतलब ये है कि बनाई जा रही है, जो बढ़ रही है सिटी के अंदर. On its way to Times Square and maybe another to Central Park. अब मैं आपको बता दूं, Times Square और Central Park न्यूयॉर्क की सबसे मेजर जगह घूमने वाली जगहों में मानी जाती हैं. तो इस पूरी लाइन में यही कहता है चार्ली कि भाई ग्रैंड सेंट्रल का कोई भरोसा नहीं है, हमें पता भी नहीं होगा, नीचे एक लंबी से टनल निकल रही होगी जो सीधा टाइम्स स्क्वायर पर निकल रही हो और शायद एक तो सेंट्रल पार्क तक जा रही हो. And maybe because so many people through the years, Grand Central has been an exit, a way of escape. तो वो क्या कहता है कि शायद क्योंकि इतने सालों से इतने सारे लोगों के लिए, देखो 1871 में बना था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन और न्यूयॉर्क का, इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़े रेलवे स्टेशन में आता है वो. तो वो क्या कहता है कि शायद क्योंकि इतने सालों से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थ्रू लोगों ने अपनी लाइफ से एस्केप ढूंढा है, जैसे उसने बताया कि भाई ग्रैंड सेंट्रल इतना बड़ा है बंदा कहीं का कहीं निकल जाता है. तो क्या कहता है कि क्योंकि इतने सालों से लोगों ने ग्रैंड सेंट्रल के थ्रू अपनी लाइफ से एक एस्केप ढूंढा, मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू. तो वो क्या कहता है, शायद इसी वजह से मैं भी एक ऐसी टनल में घुस गया जहां से मेरे को अपनी लाइफ से एस्केप मिल गया. मतलब वो क्या सोचता है कि यार इतने सालों से लोग अपनी लाइफ का एस्केप ढूंढ रहे हैं ग्रैंड सेंट्रल के लिए और उन्हें वो एस्केप मिल जाता है क्योंकि इतना सब कुछ है, इतनी टनल्स है जिनके बारे में लोगों को नहीं पता, और शायद इसी वजह से मुझे वो एस्केप मिल गया जो मैं ढूंढ रहा था और मैं थर्ड लेवल पे पहुंच गया. बट आई नेवर टोल्ड माय साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दिस आइडिया. पर वो क्या कहता है चार्ली हमसे कि पर मेरे ये जो उल्टे सीधे ख्याल हैं, मेरे को पता है आप लोग अभी थोड़ा कंफ्यूज भी हुए होंगे इन लाइनों में, वो खुद इन अपनी अपनी सोच में कंफ्यूज हुआ है चार्ली. और वो यही कहता है कि मैंने अपने ये सोच के बारे में अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को बताया नहीं क्योंकि वो फिर बिल्कुल ही मुझे शायद पागल घोषित कर देता. द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगैन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड. अब देखो अगर आपने एक चीज नोटिस नहीं करी तो मैं आपको दिखा देता हूं. देखो लास्ट पेज में उसने इस वाली लाइन से हमें समझाना चालू किया था कि ये सारा इंसिडेंट कैसे हुआ और वो फिर हमें बता रहा था कि उसकी जर्नी कैसी थी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में. पर वो फिर हमें यहां तक तो वो बताता है कि हाँ वो खो गया, पर उसके बाद वो फिर कुछ अपनी मनगढ़ंत कहानियां और अपने मन के विचार बताना चालू करता है. तो अब इस लाइन से वो दोबारा बताना चालू करेगा कि फिर
आगे क्या हुआ ग्रैंड सेंट्रल में उस दिन, द कॉरिडोर आई वॉज इन टू बिगैन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स। एंगलिंग लेफ्ट का क्या मतलब हुआ कि वो सीधा 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 चल रहा था, पर वो कॉरिडोर फिर धीरे 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 लेफ्ट मुड़ने लग गया था, और स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स मतलब जैसे मैंने आपको इस फोटो में भी दिखाया कि ग्रैंड सेंट्रल में एक लेवल से नीचे दूसरे लेवल पे जाने के लिए स्टेयर से ज्यादा वहां पे ढलाने हैं, तो वो लेफ्ट मुड़ने लग गया कॉरिडोर, और फिर वो एक ढलान की तरह नीचे की तरफ जाने लग गया। आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग। और फिर वो सोचता भी चार ली कि यार ये जो हो रहा है, ये जो रास्ता में जा रहा हूँ गलत जा रहा हूँ, पर फिर भी वो चलता रहा। All I could hear was empty sound of my own footsteps. और फिर चार्ली का कहता है कि मुझे सिर्फ क्या सुनाई दे रहा था, मेरे खुद के footsteps की आवाज़ ही सुना रही थी, and I didn't pass a soul. और वो कहता है कि मैं एक भी soul, यानी एक भी इंसान मेरे साइड में से नहीं गुजरा। Then I heard that sort of hollow roar ahead that means open space and people talking. और फिर उसे वो बताता है एक जैसे sort of hollow roar, मतलब एक आवाज़ सी नहीं आती कि जब आप एक टनल में या फिर आप कॉरिडोर से निकल रहे होते हो और आपके थोड़ी सी आगे ही एक बड़ा सा हॉल हो और वहां पे बहुत ज्यादा शोर हो रहा, लोग बात कर रहे हो, तो वो कहता है कि मुझे कुछ वैसी सी साउंड आने लग गई थी। तो मतलब उसे पता चल गया कि वो टनल खत्म गया, वो जो कॉरिडोर में चल रहा था वो खत्म होने वाला है। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, अब वो जो टनल पे सीधा सीधा चल रहा था वो एकदम से लेफ्ट मुड़ती है। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और वो एक छोटे से स्टेयर से उतरता है, एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और फिर वो क्या कहता है कि मैं फिर एकदम से वो स्टेयर्स उतरने के बाद मैं पहुंच गया थर्ड लेवल पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन सेकेंड लेवल। अब क्या कहता है चार्ली कि एक बारी को तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सेकेंड लेवल पे पहुंच गया हूं ग्रैंड सेंट्रल के, बट आई सॉ द रूम वाज स्मॉलर। पर वो क्या कहता है कि मैंने ध्यान दिया तो मेरे को दिखा कि ये जो रूम है, ये जो हॉल हमारे सेकेंड लेवल पे था उसके मुकाबले तो छोटा है। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, और ग्रैंड सेंट्रल पे कुछ ऐसी दिखने वाली टिकट विंडोज हैं जहां से टिकट खरीदते हैं, वो भी कम है। And the information booth in the center was wood and old looking. अब वो क्या कहता है, देखो ग्रैंड सेंट्रल पे ऐसे बीच में सेंटर में ना एक इंफॉर्मेशन बूथ है, ये तो अभी मैं मॉडर्न टाइम का दिखा रहा हूँ इंफॉर्मेशन बूथ जो घूमा हुआ है। तो वो क्या कहता है कि जो सेंट्रल जो हमारा इंफॉर्मेशन बूथ था वहाँ पे सेंट्रल पे सेंटर में, वो भी काफ़ी पुराना था और वो वुड का बना हुआ था। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीप प्रोटेक्टर्स। अब वो ये अजीब अजीब चीजें नोटिस करता है, और फिर वो जो आदमी उस टिकट बूथ में बैठा होता है वो उसके कपड़े देखना चालू करता है, और वो नोटिस करता है कि उसने ग्रीन आई शेड पहना हुआ है। ग्रीन आई शेड क्या होता है वो मैं अभी आपको अगली लाइन में बताऊंगा। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीप प्रोटेक्टर्स, और वो स्लीप प्रोटेक्टर्स भी उसने पहने हुए हैं, क्योंकि देखो वो ये कहानी मैंने जैसे बार बार बता रहा हूं मैं आपको 1950s की है, और स्लीप प्रोटेक्टर्स जो है वो 1850s से 1890s तक पहने जाते थे। तो वो नोटिस करता है यार इसने कपड़े भी बड़े अजीब से पहने हुए हैं पुराने जमाने के। द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और वो क्या कहता है कि जो लाइट थी वहां पे वो भी काफी मतलब डिम सी थी, मतलब थोड़ी डल सी लाइट्स थी, और वो फ्लिकर भी कर रही थी। फ्लिकर मतलब का क्या करने का क्या मतलब होता है, मतलब कांस्टेंट तेज लाइट नहीं थी, वो बार बार जल बुझ हल्की हल्की कम ज्यादा हो रही थी। देन आई सॉ व्हाई, और फिर वो देखता है ऐसा क्यों हो रहा है लाइट बार बार जल बुझ कम ज्यादा क्यों हो रही है। दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक लाइट्स नहीं थी जहां पे वो पहुंचा था, वहां पे ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी। ओपन फ्लेम गैस लाइट्स मतलब ये वाली लाइट्स थी, बिजली के बल्ब नहीं लगे हुए थे, वो कुछ ऐसा कुछ लगा हुआ था। और क्या ग्रीन आई शेड क्या होता है मैं अब आपको ये बता दूं, ग्रीन आई शेड ये दिखने वाली चीज होती है। अब आप सोच रहे होगे ये क्या बकवासी चीज है, तो मैं आपको बता दूं 1850 से 1890s में जितने भी अकाउंटेंट्स होते थे और ये टिकट काटने वाले लोग होते थे, ये इस ग्रीन आई शेड को पहनते थे अपनी आंखों को बचाने के लिए, क्योंकि उस टाइम लाइट बल्ब तो होते नहीं थे, ऐसी ये फ्लिकर करने वाली कम ज़्यादा होने वाली भाई लैंप्स होते थे, और इन लैंप्स में अगर कोई पढ़ने का काम करता था तो उनकी आंखों पे बहुत ज़्यादा डैमेज होता था। तो उस डैमेज को बचाने के लिए जैसे हम सनग्लासेस पहनते हैं ये लोग ये पहनते थे। तो यार मुझे पता है चैप्टर ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और हम अगले पार्ट में इस चैप्टर की वीडियो के देखेंगे ये एक्चुअल में कहाँ पहुँचा है, और बहुत इंटरेस्टिंग अब घटनाएं आगे और होने वाली हैं। तो भाई इस वीडियो के अगले पार्ट में हम सब कुछ और पूरे चैप्टर को मैं खत्म कर दूंगा। नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए फर्स्ट कमेंट में चले जाओ, और यार अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है इंटरेस्टिंग लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स में। तो बाय गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक।